हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और अपन लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को बहुत लोगों में शेयर कर दीजिएगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। और अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिएगा। वो वीडियो भी आज ही अपलोड हुआ है। मैं दो वीडियो साथ में अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है? आज या कल में अपलोड होगा, मतलब आई डोंट नो अपने ये वाला वीडियो को अपलोड करता हूँ। लेकिन हाँ, जस्ट पहले वाला वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो ही है इसका। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए एक्सरसाइज 7.1 को हम सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं ए और बी। यहाँ पे क्या लिखा है, 2, 3, और बी में लिखा हुआ है 4, 1, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और ए बी की वैल्यू निकाल देंगे। तो ए बी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला, आप लोगों को याद नहीं हो तो फिर भैया क्या कर सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों? तो ये होता था x2, ये होता था x1, ये होता था y2, ये होता था y1। तो लिख दे x2 में 4, x1 में 2, ठीक है? फिर यहाँ पे 1 - 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, बताइए ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 + 4, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा, 2 root 2, ठीक है? 2 root 2 यूनिट्स, ये आ गया हमारा डिस्टेंस, ठीक है? अगला वाला क्वेश्चन देखिए। अगले वाले में -5, 7 दिया है और बी जो है वो -1, 3 दिया हुआ है। तो फटाक से इसको भी सॉल्व कर लेते। तो ए बी इज इक्वल टू वही फॉर्मूला, कौन सा वाला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, x2 की जगह क्या रखूंगा, ये -1 माइनस, यहाँ पे क्या रखूंगा -5, इस पूरे का होल स्क्वायर है प्लस y2 की जगह 3 और माइनस यहाँ पे 7। इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ये देखो, -, प्लस +5 और -1 कितना हो जाएगा, +5 और -1 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे -4 का स्क्वायर, और अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा, √16 + 16, तो ये हो जाएगा √32, अच्छे से लिख दे रहा हूँ 32, और अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा आंसर इसका, 4√2 आएगा ना, 4√2 आएगा, 4√2 यूनिट्स। अभी 4√2 कैसा है वो भी देख लो भाई, देखो कई लोगों को ये चीज नहीं आती, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, और यहाँ पे बन जाएगा। तो ये एक पेयर बना रहा है, एक पेयर बना रहा है, यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा, 2 × 2 = 4, और ये जो बच गया ये √2 के अंदर में चला जाएगा। 2 × 2 = 4, ये लिख दिया, और ये जो 2 बचा वो √2 हो गया। और ये सब तो बनने चाहिए क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हैं आप। अब अगला वाला देखिए जरा, अगले वाले में उसने कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी है ए बी और यहाँ पे दिए -a - b। तो फटाक से इसको भी निकाल देते हैं, कुछ नहीं, वैल्यू रखो और आंसर पाओ। तो x2 क्या है यहाँ पे, -a, यहाँ पे भी x1 क्या है, माइनस, और यहाँ पे ये a है, ठीक है? तो ये हो गया। y2 में क्या है, यहाँ पे -b और यहाँ पे -b, तो आई जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या जाएगा, -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर, अल्टीमेटली 4a² 4b² क्या, 4a² + 4b², ठीक है? तो इसमें से ये 4 टेकिंग कॉमन, बाहर क्या बन जाएगा, ये 2 आएगा बाहर निकल कर भी, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो ये बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा और अंदर बन जाएगा a² + b², ये भी आंसर हो गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि भाई फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0, 0 एंड 36, -15, ठीक है? और उसके बाद फिर उसने बोला कि सेक्शन 2 में जाकर के भी क्या कहते हैं आप, वो लगाइए, दोनों टाउन्स के बीच में डिस्टेंस निकालिए। तो वो अपन वो तुम लोग कर लेना, मैं इतना कर देता हूँ। मुझे पी की डिस्टेंस निकालना, देखो पी क्या है, 0, 0, मतलब पी जो है वो ओरिजिन है। तो ओरिजिन के लिए अपन ने पढ़ा था, इसको मैं लिख देता हूँ पी और इसको मैं लिख देता हूँ क्यू, और अल्टीमेटली ओरिजिन के लिए मैंने पढ़ा था क्या कि भैया यहाँ पे एक्स और वाई रहते थे, तो एक्स इज इक्वल टू x² + y², मतलब कि 36 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर, मतलब 36 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं पता होगा, 1296 होता है भाई, याद कर लो, 225 ये होता है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा √1521, और अल्टीमेटली ये किसका होता है, ये 39 का स्क्वायर होता है, ठीक है? √1521 को आप फैक्टर कर लीजिएगा, मुझे तो याद है क्योंकि मैंने याद करके रखे, ठीक है? तो मैं जिस दिन भी टेस्ट लेना ना, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बना करके वीडियो बना करके डाल दूंगा कि ये कैसे याद करें पर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को याद करने का तरीका, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वो बोलता है ये 3 पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, बताइए प्रूफ करके, ठीक है? हम इसमें क्या करेंगे, हम ए बी निकालेंगे, हम बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे, और डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी के बराबर होना चाहिए। तो हम ये चेक कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो फटाफट से ए बी कर लेते हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले फॉर्मूला जो लगाने वाला हूँ, मैं ए बी, फिर मैं बी सी और फिर मैं सी ए निकालूंगा, ठीक है ना? ए बी बी सी फिर सी ए, ठीक? करते हैं सॉल्व। फॉर्मूला तुम्हें पता ही है तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? ए बी, तो बी सेकंड पे है, तो मतलब ये वाले x2 x1 हो जाएंगे, ये x2 और y2 हो जाएंगे, ये x1 x2 हो जाएंगे, ठीक है? अंडर रूट लगाते हैं तो 2 - 1 का स्क्वायर और 3 - 5 का स्क्वायर, ठीक है? इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 1 का स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर, अल्टीमेटली कितना आया, 1 + 4 है ना, 1 + 4 हो जाएगा,
रूट में 1 + 4 हो जाएगा और अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, √5 यूनिट्स आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या निकाले, बीसी भी निकालते। तो अब बीसी में ये वाले सेकंड टर्म होंगे, ये वाले फर्स्ट वाले होंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो -2 -2, ये वाला -2 माइनस ये वाला 2 का स्क्वायर, एक प्लस -11 और -3 का स्क्वायर, -11 ये और ये 3। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना बनता है, ये 4 का -4 का स्क्वायर हो रहा है, तो -4 का स्क्वायर हुआ प्लस यहाँ पे ये -14 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, और जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 + 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई, बताएगा भाई, 196 होता है। ठीक है, इन सबको जोड़ा तो √212 आएगा यूनिट्स। ठीक है, अब एसी भी निकाल के देख लेते। ठीक है, एसी भी निकाल के देख लेते, एसी निकालूंगा। तो एसी अब यहाँ पे ये वाला जो है सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो -2 -1 का स्क्वायर और प्लस -11 -5 का स्क्वायर, इसको भी जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, -3 का, तो 9 हो जाएगा, और 16 का होता है 216 का होता है 256। ठीक है, 256 होता है, तो इन सबको जोड़ोगे तो ये जाएगा √265। अब तुम बताओ 212 में ये √5 जोड़ूंगा तो ये मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो ऑफकोर्स ये जो है ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी, दिस एम्प्लाइज ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर नहीं है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि ये जो पॉइंट लिखे हैं ए बी सी, क्या ये वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं। तो जैसे हमने ऊपर कोलिनियर वाला करा था वैसे हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं, ए बी बी सी और ए सी निकाल करके पटक देते हैं। ठीक है, तो अब डायरेक्ट ही करूंगा मैं। ठीक है, तो ए बी, तो बी मैंने बाद में लिखा, तो ये वाला हमारा 2 वाला जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा। तो 6 - 5 करेंगे, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 - -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे को जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, तो मैं हमसे 6 - 5 कितना जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस ये प्लस माइनस माइनस प्लस और 2 + 4 4 + 2 कितना हो गया, 6 का स्क्वायर क्या होता है पता ही होगा, तो ये हो जाएगा √1 + 36 मतलब कि √37 यूनिट्स। तो एक साइड निकल करके आ गई, बीसी भी निकाल लेते, बीसी भी निकाल लो भाई फटाक से। बीसी हो जाएगा 7 में से 6 गया, ठीक है, और -2 में से -4 गया, इन सबको जोड़ो, 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस तो -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, ये सबको सॉल्व करोगे तो 1 + 36 फिर से आ रहा है। अबे देख, ये भी √37 आ गया, और उसने क्या बोला था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टाइसेस है कि नहीं एबीसी, तो मेरे को तो लग रहा है होगी, लेकिन लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं, एसी क्या पता ये भी बराबर आ जाए तो शायद इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए, या अलग आया तो हो गया, आइसोसेलेस तो प्रूफ कर ही दिया हमने। ठीक है, ए बी बी सी, अब हम एसी निकाल रहे हैं, तो एसी में 7 - 5 करेंगे और -2 को माइनस वो करेंगे हम। ठीक है, तो 7 - 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -2 - -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर प्लस, देखो -2 - -2 0, तो कितना आ रहा है यहाँ से, यहाँ से 2 यूनिट्स निकल के आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट हटा सकते हैं, तो 2 यूनिट्स। तो ऑफ कोर्स, हाँ जी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, दिस इंप्लाइज ए बी सी, ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, है ना, ए कॉमा बी कॉमा सी आर वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अपनी बुक खोल करके देख लेना, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहा हूं, उसमें एक ग्राफ बना हुआ है, तो उस ग्राफ के पॉइंट्स में ए बी सी डी लिख दूंगा और मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 के पॉइंट्स देख लीजिएगा जरा दम से। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं, दो लड़की है चंपा और चमेली, बाप रे फूलों के नाम है। ठीक है, वो क्लासरूम में घुसती है अपने ए बी सी डी सीट को देखती है, चार फ्रेंड्स वहां पे बैठे हैं उनके, तो क्या कहते हैं, चंपा बोलती है चमेली से कि भैया ये ए बी सी डी जो है ये तो स्क्वायर का शेप बना रहे हैं। चमेली बोलती है नहीं, अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से मैं ए के कोऑर्डिनेट देख पा रहा हूँ, अगर आप लोग भी देख पाए तो वो है 3, 4, और अगर कोऑर्डिनेट देखना नहीं आता तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर देख ले। बी के कोऑर्डिनेट है 6, 7, सी के कोऑर्डिनेट है 9, 4, और डी के कोऑर्डिनेट जो है डी के कोऑर्डिनेट जो है वो है 6, 1। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं ए बी निकालूंगा, मैं बी सी निकालूंगा, मैं सी डी निकालूंगा और फिर मैं ए डी निकालूंगा, और सारी अगर बराबर आएंगी तो मैं बोल दूंगा हाँ जी ये एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है ये। ठीक है, नहीं लेकिन फिर उसमें ट्रायंगल भी चेक करूंगा, तो मैं ए सी भी निकालूंगा और मैं बी डी भी निकालूंगा। ठीक है, तो फटाक से निकाल देते हैं हम लोग, ए बी डिस्टेंस निकालेंगे,
ठीक है, तो ए भी कैसे निकलेगा, रूट में ये सेकेंड है ये फर्स्ट है, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर, सबसे अच्छी बात सारे पॉजिटिव है तो बहुत आसानी से हो जाएगा ये, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 7 माइनस 4 भी 3 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली आएगा 3√2 यूनिट्स। मैंने क्या करा, 3 बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 और 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या जाएगा √2, ठीक है। फिर आता है बीसी, तो बीसी भी अपन निकाल देते हैं सेम प्रोसीजर से, 9 माइनस 6 4 माइनस 7, 9 माइनस 6 का स्क्वायर और 4 माइनस 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कैसा बन रहा है कुछ मामला, ये 3 का स्क्वायर प्लस -7 -3 का स्क्वायर, अल्टीमेटली ये भी वही चीज है ना, तो 9 और ये भी 9 हो जाएगा, तो ये भी यहाँ से 3√2 यूनिट्स ही निकल करके आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बीसी भी हो गया, अब सीडी भी निकाल लेते हैं, सीडी में क्या होता है देखते हैं जरा, सीडी में 6 माइनस 9 करेंगे और 1 माइनस 4 करेंगे, दोनों ही नेगेटिव हो रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो सब पॉजिटिव हो जाते हैं क्योंकि बाहर स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ से भी 3√2 यूनिट्स, 3√2 भाई 3√2 यूनिट्स निकल के आएगा। वैसे ही मैं एडी भी निकाल देना चाहता हूँ, तो एडी भी डायरेक्ट निकाल लो। अच्छा यहाँ पे कौन सा फॉर्मुला लगा रहे हो, एक फॉर्मुला ऊपर लिख लेना, मैं लिखना भूल गया, मुझे माफ कर देना, डिस्टेंस फॉर्मुला जरूर लिखना क्योंकि वो नंबर काट लेते हैं, बोर्ड वाले भरे रहते हैं, भरे बैठे रहते हैं, कभी कभी मूड खराब रहता है उनका, तो नंबर नंबर ना काट लें, इसलिए ऊपर एक फॉर्मूला जरूर लिख दीजिएगा, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, 6 माइनस 3 1 माइनस 4, और अल्टीमेटली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 4 -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको भी सॉल्व करोगे तो ये भी 3√2 यूनिट्स। देखो भाई स्क्वायर तो है ये, नहीं सर तुम बोलोगे सर स्क्वायर के डायगनल भी बराबर होता है, वो भी निकालो, नहीं भाई ठीक है, डायगनल क्या होंगे, ए सी और बी डी, तो वो भी निकाल लेता हूँ। अपन ऐसा लिखते हैं कि भाई ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, ठीक है, दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी इज अ रोम्बस, अभी ये रोम्बस प्रूफ हुआ है क्योंकि रोम्बस की भी तो सारी साइड्स बराबर होती है ना, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम ए सी निकालेंगे और फिर हम क्या निकालेंगे, बी डी निकालेंगे, और जैसे ये निकलेंगे तो अगर ये बराबर आए तो स्क्वायर हो जाएगा वो, तो भैया ए सी तो 9 माइनस 3 और 4 माइनस 4, ठीक है, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर तो जाएगा 6 अंडर रूट में 6 स्क्वायर, और प्लस वो तो 0 हो ही गया है, तो खत्म, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, तो ये तो 6 ही आ गया है, 6 यूनिट्स, ठीक है। अगला वाला बी सी भी देख लेते हैं, अगर 6 आ गया तो काम हो गया हमारा, ठीक है, तो बी सी में भी 6 माइनस 6 0 हो रहा है, 6 माइनस 6 0 हो गया, और यहाँ पे 1 माइनस 7 हो जाएगा, 1 माइनस 7 मतलब कि -6 का, तो ये तो हो गया 0 प्लस -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर क्या होता है, -6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 का अंडर रूट वही 6 यूनिट्स। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ से ए सी इज इक्वल्स टू बी सी बी डी निकल के आ गया है, मैंने यहाँ पे बी सी लिख दिया था, बी डी निकल के आ गया, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, तो डायगनल्स भी बराबर है, दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन वो शायद तक आजकल वो क्या वो थोड़े से कैसे क्वेश्चन होते हैं वो तुम लोगों को रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें दे सकता है आप लोगों को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्मड बाय फॉर्मड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स बाय सॉरी 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 इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, मतलब नीचे जो पॉइंट्स दिए हैं बताइए कि ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, जिसमें आपको हर एक पॉइंट को ए बी सी डी डिनोट कर देना है और ए बी बी सी सी डी डी ए निकालते जाना है और बताते जाना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल ये बन रहे हैं, ठीक है, तो फटाफट इसको कर लेते हैं। मेरे ख्याल से 6 वाला क्वेश्चन का फर्स्ट वाला तो आप लोगों ने कर भी लिया होगा मेरे साथ, मतलब मेरे से पहले ही सॉल्व कर लोगे, -1 है -2 है, फिर मैं बी बोल देता हूँ दूसरा वाला तो ये हो जाएगा 1,0, फिर मैं सी बोल देता हूँ वो है -1,2, और फिर मैं डी बोल देता हूँ वो कितना है -3,0। हम फटाक से क्या करते हैं, हम ए बी बी सी और सी डी निकाल देते हैं और ए डी भी निकाल देते हैं, फटाफट मेरे साथ दीजिएगा और फटाक से करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए बी निकाल रहा हूँ अंडर रूट, जी हाँ दोस्तों, 1 माइनस -1 1 माइनस -1 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 माइनस -2 तो 0 माइनस -2 पूरे का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस तो 1 प्लस 1 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस तो 2 का फिर से स्क्वायर, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा यहाँ से 2√2 निकल के आ गया। इसी प्रकार बी सी भी निकाल लेते हैं फटाक से, जल्दी से करो मेरा साथ दो दोस्तों, बी सी -1 यहाँ पे लिखा -1 -1 का स्क्वायर प्लस ये वाला -1 फिर इसमें से माइनस करा ये वाला 1 फिर 2 माइनस 0 तो ये भी अल्टीमेटली वही बन रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 का सॉरी ये -2 तो ये भी जाएगा माइनस प्लस हो गया यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर तो अल्टीमेटली ये भी कितना जाएगा 2√2 निकल करके आएगा, ठीक है। ए बी बी सी सी डी अब क्या निकालेंगे हम, ए डी निकालेंगे, ठीक है, तो -3 -1 ठीक है, फिर यहाँ पे 0 -2 ठीक है, तो ये भी हमारा सेम टू सेम आ गया, ठीक है, -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर और अल्टीमेटली ये भी 2√2 निकल के आएगा। तो देखो ये स्क्वायर है,
नहीं रॉमबस भी तो हो सकता है, तो इसका एसी भी चेक करना पड़ेगा, बीडी भी चेक करना पड़ेगा। तो ले भाई एसी भी यही लगाता हूँ और बीडी भी यही लगाता हूँ, फिर देख लेते हैं। तो एसी, या एसी बोलो, माइनस वन माइनस वन, माइनस ऑफ माइनस माइनस वन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, फिर टू और टू माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा, तो ये जीरो हो रहा है, ठीक है, ये तो जीरो हो रहा है, और टू प्लस टू फोर हो रहा है, तो फोर का स्क्वायर कर देते हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ से फोर ही निकलेगा, फोर का स्क्वायर जीरो तो जीरो ही है, तो अल्टीमेटली स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा अंडर रूट से, ठीक है। और फिर उसके बाद अगला वाला भी देख लेते हैं, बीडी भी निकाल देता हूँ, तो बीडी में भी क्या हो जाएगा, बीडी में भी सेम चीज हो जाएगी, माइनस ऑफ थ्री माइनस वन का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली यहाँ से भी क्या निकल के आ रहा है, माइनस फोर का स्क्वायर प्लस जीरो, और अल्टीमेटली यहाँ से भी फोर आ रहा है। तो मतलब ये क्या है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। इसी का सिक्स्थ वाले का ही सेकंड वाला करते हैं दोस्त, सिक्स्थ वाले का सेकंड वाला करता हूं मैं। पॉइंट्स दिया है आपको कुछ इस तरीके से, ए दिया है माइनस थ्री कॉमा फाइव, बी दिया हुआ है थ्री कॉमा वन, ठीक है, सी दिया हुआ है जीरो कॉमा थ्री, और डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है कितना, माइनस वन कॉमा माइनस फोर। मैंने सही लिखा ना यार, हाँ मैंने सही लिखा है, चलो ठीक है। तो यहाँ तो फर्स्ट वाले में तो क्वाड्रेटर बन गया था, यहाँ पे भी वही करेंगे, मैं ए बी बी सी सारे सारी चीजें निकालूंगा, मैं मतलब चारों साइड्स और दोनों डायगनल्स निकालूंगा, ये बहुत आसान हो गया एक्चुअली, ये तुम लोग खुद कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करता हूँ। तो पहले मैं ए बी निकालूंगा, तो ए बी के लिए अंडर रूट लगाऊंगा, और फटाफट से करते हैं, देखो थ्री ऑफ माइनस थ्री है ना इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस वन माइनस फाइव का होल स्क्वायर, अल्टीमेटली यहाँ से क्या निकल के आ रहा है मेरे पास, यहाँ से निकल के आ रहा है ये माइनस माइनस प्लस, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, नहीं माइनस फोर का स्क्वायर, माइनस फोर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 16, और अल्टीमेटली यह क्या आ गया, रूट 52। फिर बी सी, यहाँ पे बी सी, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में, तो यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, और 3 माइनस 1 2, तो यहाँ पे ये 4, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, रूट 14 आ रहा है, नहीं रूट 13, सॉरी रूट 13, ये रूट 13 आ रहा है, ठीक। तो ये भी हो गया, अब सी डी भी निकाल लेता हूँ, सी डी कितना निकलेगा, सी डी सी डी सी डी देखो, माइनस वन में से, माइनस वन में से जीरो माइनस किया, उसका होल स्क्वायर किया, प्लस माइनस फोर में से थ्री माइनस करेंगे, माइनस फोर माइनस ऑफ प्लस थ्री है ना, तो माइनस ये ऐसा दिखेगा, तो ये सेवन हो जाएगा, ओके। तो ये तो गया यहाँ से वन प्लस, और सेवन का स्क्वायर क्या होता है, माइनस सेवन का स्क्वायर 49, मतलब कि रूट 50, नाइस। अच्छा मैं अगर इसको, इस वाले को सॉल्व करना चाहूँ पर रूट 52, तो ये हो जाएगा 2√13, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 5√2, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, ये है और ये है, फिर तो ए बी बी सी सी डी, फिर आता है अपना ए डी है ना, ए डी भी तो निकालेंगे, तो ए डी भी निकाल लेते हैं दोस्त, देख माइनस वन में से माइनस ऑफ माइनस थ्री पूरे का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस वन लिखा फिर माइनस लिखा फिर माइनस थ्री ब्रैकेट में डाला फिर पूरा ब्रैकेट और फिर उसका स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस माइनस ऑफ फोर माइनस फाइव का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस थ्री, थ्री माइनस वन टू, तो टू का स्क्वायर होता है फोर, और यहाँ पे तो ये 9 ही हो रहा है, माइनस 9 तो 9 का होता है 81, माइनस 9 का भी 81 ही होता है, तो ये हो जाएगा रूट 85, रूट 85 आ गया, ठीक। वैसे ही मैं अब एसी भी निकालना चाहता हूँ दोस्त, एसी भी निकालना चाहता हूँ, एसी भी निकल जाएगा अपना आराम से, एसी देख लेते हैं। तो एसी में क्या हो जाएगा, 0 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा यहाँ पे 9, मतलब माइनस माइनस प्लस प्लस 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, और यहाँ पे ये जाएगा माइनस टू, तो यहाँ पे भी फोर, तो ये आ रहा है रूट 13। अभी कुछ देखा तुमने, ये भी रूट 13 और ये भी रूट 13, बीसी और एसी बराबर हो रहे हैं, मतलब एक साइड जो है वो डायगनल के बराबर हो रही है, मतलब वो एक दूसरे में कोइंसाइड कर रही, कोलिनियर हो गई, तो यहाँ पे पॉइंट कोलिनियर हो गए मेरे ख्याल से। तो एक काम करता हूँ, मैं बीडी और निकाल देता हूँ, फिर अपन डिसाइड करते हैं ना, बीडी और निकाल लेते हैं अपन, बीडी और निकाल लेते हैं, तो थ्री, ये थ्री कॉमा वन और माइनस वन कॉमा माइनस फोर, तो माइनस वन में से माइनस थ्री हो जाएगा, और यहाँ से माइनस फोर में से माइनस वन हो जाएगा, और इसको भी सब सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये आ जाएगा रूट 41। तो मेरे को तो इससे मतलब है, इससे मतलब है, और इससे मतलब है, जब मैं बीसी और एसी को जोड़ रहा हूँ, बीसी प्लस एसी गिव्स यू एबी, ठीक है, बीसी प्लस एसी गिव्स यू एबी, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कैसे मतलब, देखो रूट 13 प्लस रूट 13, रूट 13 प्लस रूट 13 कितना होता है 2√13, और देख एबी भी कितना है 2√13 ही है, तो पंगा हो गया है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, सॉरी ऐसे लिखना चाहिए, ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर, को लीनियर, देयर फोर ए बी सी डी इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ठीक।
क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं। बहुत ही लेंदी हो रहा है यार, बहुत ही ज्यादा लेंदी हो रहा है, मतलब मन ही मर गया मेरा सॉल्व करते करते, मैं थक गया पूरी तरीके से। इसका थर्ड वाला भी कर ही लेते हैं, थर्ड के पॉइंट्स में जरा देखूं। ए दिया है कितना 4.5, ओके। बी दिया, बहुत इजी चैप्टर है ये, पता है इसको एक बार प्रैक्टिस करो, एक बार सॉल्व कर लो, दो बार सॉल्व कर लो बस, तुम्हें दो बार में पूरा क्लियर हो जाएगा, तुम्हें सब बनेगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड डी इज इक्वल्स टू, डी क्या हमारा डी है 1.2। ठीक है स्टार्ट कर देते हैं, इसमें भी वही करना है, ए भी निकालना है, बी सी निकालना है। तो पहले ए भी निकालता हूँ, तो यहाँ पे जाएगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर। 7 माइनस 4 कितना होता है 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और 6 माइनस 5 कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा √10। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। तो बीसी भी निकाल लेते, थोड़ी सर्दी हो गई यार दोस्तों, गला मेरा ठीक हो गया लेकिन लोगों को जैसा पता होगा। तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे भी देख, यहाँ पे क्या रहा है 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, और यहाँ पे भी -3 का स्क्वायर मतलब कि 9, मतलब कि √18। ठीक है ए भी हो गया, बी सी हो गया, सी डी की बात कर लेते हैं अपन जरा। सी डी, सी डी में क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो इसको भी सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 4 मतलब कि -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 माइनस 3 मतलब -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे भी अल्टीमेटली √10 आ गया। अब देख √10 √18 √10 रिपीट हो रही है, अगला वाला √18 नहीं आना चाहिए, फिर तो मजा आ जाएगा, अपन बोल देंगे रेक्टेंगल है, लेकिन तुम मेरे से कमेंट करके बोलेगा सर रेक्टेंगल के डायगनल्स भी इक्वल होते हैं तो इनके डायगनल भी निकालने पड़ेंगे, तो हाँ भाई चेक कर लेंगे अपन वो भी। ठीक है सी डी, अब आएगा यहाँ से ए डी, तो ए डी भी निकाल लेता हूँ मैं, तो ए डी कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा, देखो जरा यहाँ से ए डी कितना होगा, ये रहा 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से भी 9 आएगा, यहाँ से भी 9 आएगा, और अल्टीमेटली ये भी √18 मिल गया। तो देखो √10 √10 √18 √18 काम हो रहा है भाई, अपना अपना काम हो सकता है यहाँ पे। चलो देख लेते हैं कैसा क्या होता है, आगे देखते हैं। एसी और निकाल लेता हूँ, एसी और बीडी भी निकाल लेता हूँ, डायगनल्स होते हैं ठीक है ना। तो एसी के लिए 4 माइनस 4 0, ठीक है, फिर 3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली यहाँ से ये तो जाएगा 0, ये जाएगा 4, तो अल्टीमेटली ये कितना निकल जाएगा 2। फिर बीडी भी निकाल लेता हूँ, ऐसे ही में बीडी में हो जाएगा 1 माइनस 7 और 2 माइनस 6, तो 1 माइनस 7 मतलब -6 मतलब कि 36, और 2 माइनस 6 मतलब कि 4 माइनस 4, तो ये जाएगा 16, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये √52, और यहाँ से 2 √13 भी लिख सकता हूँ। देखो ये बराबर नहीं आया, मतलब कि ए बी सी डी इज नॉट अ रेक्टेंगल बट अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है अपन ये लिख सकते हैं, क्योंकि डायगनल्स बराबर नहीं आ रही, इसमें ये भी डाल दीजिएगा आप। ठीक है तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, 7 8 9 10 करते हैं फटाक से, ये जल्दी हो जाएंगे, सॉरी तुम लोगों का टाइम वेस्ट कर दिया, ये पांच से लेकर पांचवा और छठवा क्वेश्चन बहुत ही फालतू निकला, ठीक है बहुत दिमाग खराब कर दिया यार, मतलब इतनी मेहनत करवा दी जबरन में। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ठीक है चलो कर लेते हैं इसको भी, क्वेश्चन 7 है। तो वो बोलता है एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है जो कि क्या कहते हैं वो मतलब जो कि क्या कहते हैं आपको बताना है कि वो कौन सा पॉइंट होगा। तो एक काम करता हूँ, इसको इमेजिन करवाता हूँ आप लोगों से। मान लो एक पॉइंट, ये एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस है ना, इक्वल डिस्टेंस है इनका, तो ये एक्स एक्सिस से एक पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस है। एक बार बताओ एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट कौन सा होगा, वो होगा x,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। तो हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है बस सॉल्व करके, वाई कोऑर्डिनेट तो हमारा खुद से ही आ गया है। ठीक है मैं इसको ए बोल देता हूँ, मैं इसको बी बोल देता हूँ, और ये हो जाएगा हमारा 2, -5, और ये वाला हो जाएगा -2, 9। ठीक है हमें ये एक्स एक्सिस पता है, हम इसको सॉल्व करके बता देते हैं। तो ये इक्विडिस्टेंस है यहाँ से, मतलब दोनों बराबर है, पी ए बराबर पी बी है। ठीक है तो अपन पहले लिख देता हूँ, लेट पी एक्स कॉमा जीरो बी द पॉइंट, बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है तो यहां से पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, ठीक है ना, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, इसको सॉल्व कर ले, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे पी ए के लिए। तो देखो पी ए पी ए पी ए तो 2 माइनस x करूंगा यहाँ पे ना भाई, पी पहले लिखा है और ये बाद में लिखा है, तो एक्स टू ये वाला मतलब एक्स टू वाई टू ये होगा, एक्स वन वाई वन ये होगा, तो एक्स टू माइनस वाई वन, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस यहाँ पे -5 -5 प्लस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये जो पी बी है इसको भी कर लेते हैं, तो पी बी तो ये वाला पहला ये वाला दूसरा है, तो दिस माइनस दिस करूंगा मैं, -2 -x का स्क्वायर, ठीक है प्लस 9 -0 का स्क्वायर, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। तो क्या हो जाता है यहाँ पे अंडर रूट, देखो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रही है, तो 4 + x² - 4x, और ये कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे ये अंडर रूट है वैसा का वैसा, इसको भी सॉल्व करते हैं, और ये भी कुछ इस तरीके से दिखेगा 4, ये एक्चुअली मैं प्लस वाली लगेगी यहाँ पे, माइनस माइनस है ना, इस माइनस को बाहर निकालूंगा और वो स्क्वायर हो जाएगा तुरंत, तो यहाँ पे प्लस ही हो जाएगा अल्टीमेटली, तो 4 + x²
देखो भाई समझ लो, मैं जानता हूँ ये नहीं समझ पाएगा, ये माइनस ये भी माइनस, मैंने टेकिंग माइनस कॉमन बाहर निकल के आया, अब बाहर कौन बैठा था ये स्क्वायर, वो दिखा उसने उस माइनस को कूट दिया पकड़ के, वो क्या बन जाएगा, माइनस का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या बनता है प्लस बन जाता है, तो इसलिए वो खत्म हो जाएगा और यहाँ पे 2 + x रह जाएगा, तो 2 + x की आइडेंटिटी में डायरेक्ट लगा देता हूँ, तो यहाँ पे +4x आ गया, ठीक है। और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ठीक है। मैं अंडर रूट और अंडर रूट हटा रहा हूँ तो 4 + x² - 4x + 25 = 4 + x² + 4x + 81, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये 4 से 4 कैंसिल, x² से x² कैंसिल, इससे ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, इसको मैं इस तरफ लाता हूँ, इसको मैं इस तरफ लाता हूँ, तो 25 - 81 = 4x + 4x, ये वाला माइनस में था तो इस तरफ आया और ये प्लस में था तो ये इधर माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये -56 आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा 8x, तो यहाँ से x = -56/8, अल्टीमेटली x की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ से -7, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा P x, 0 जो है वो अल्टीमेटली P 7, 0 है, ठीक है। 7, 0 वो पॉइंट होगा जो कि ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे रहेगा, इक्वी डिस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर आठ हम लोग कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, सॉरी वाई की वैल्यू निकाले जब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स हो, ठीक है भाई। कैसा गंदा क्वेश्चन दिया उसने, पी की वैल्यू है 2, -3 और जो क्यू दिया है वो है आपका 10, y, ठीक है, और जो डिस्टेंस है पी क्यू वो कितना दिया है 10, ठीक है भाई। ले लिख देता हूँ, पी क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला तुम्हें पता ही है x2 - x1 वाला, तो 10 - 2² y - -3² ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं और पी क्यू की जगह क्या रख दूँ 10 रख देता हूँ, तो ये तो वैसा का वैसा ही, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं अपन, 10 - 2 कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो y + 3 का होल स्क्वायर मतलब कि y² + 9 और 2 3 6 और 6y आ जाएगा, +6y आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने a + b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर मैंने वो आइडेंटिटी लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ इसका सॉल्व कर लेता हूँ मैं, y², ठीक है, y² + 6y + 73, ठीक है, और यहाँ पे 10 है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, यहाँ पे ये 100 कर देता हूँ और ऊपर से क्या हो गया अंडर रूट हट गया क्योंकि स्क्वायरिंग करिए ना, तो ये भी स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है रुक जाओ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये स्क्वायरिंग कर दी हमने, अब इसको भी इस तरफ ले आता हूँ, तो y² + 6y और ये इस तरफ आएगा, तो 73 और 100 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये रहा 73 भाई, ये ले -100 और ये इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे -27 मिलेगा तेरे को, y² + 6y - 27 = 0। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, क्या लिखा था वो y² + 6y - 27 = 0, 27 के फैक्टर करता था मैं, याद हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड अगर याद हो तो आपको, तो इसके फैक्टर कैसे होंगे, 3 से जाएगा 9 आएगा, 3 से जाएगा 3 आएगा, 3 से जाएगा तो फिर 1 आ जाएगा, देखो क्या चाहिए बीच में 6, ये देख ये 9 9 - 3 करूंगा तो 6 मिल रहा है मेरे को, तो y² + 9y - 3y - 27 = 0, टेकिंग y कॉमन अंदर बचेगा y + 9 और टेकिंग 3 - 3 कॉमन अंदर बचेगा y + 9 = 0, तो यहाँ से y + 9 बाहर निकलेगा, अंदर बच जाएगा y - 3 = 0, y + 9 को 0 से इक्वेट करूंगा और y + 3 को भी इक्वेट करूंगा, तो y - 3 को भी इक्वेट करूंगा, तो y = -9 एक आंसर होगा और दूसरा y = 3 दूसरा आंसर होगा, तो दो ऐसे पॉइंट निकल करके आएंगे, वाई के दो कॉर्डिनेट आएंगे जो कि क्या कहते हैं वो वैल्यू टेकअप कर पाएंगे और डिस्टेंस हमारा जो रहेगा वो 10 यूनिट्स आ पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है क्यू 0.01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सेम टू सेम क्वेश्चन दे दिया लगता है उसने, ठीक है, जो क्यू पॉइंट है वो है, तो इसको भी मैं एक सिचुएशन बना लेता हूँ, जैसा पहले क्वेश्चन नंबर 7 करा था बिल्कुल वैसा ही है शायद तक, तो इक्वी डिस्टेंस है ये क्यू काय से पी और आर से, तो ये रहा पी ये रहा आर, क्यू का पॉइंट क्या क्या दिए थे, ये 0, 1 दिया था, पी की वैल्यू क्या देकर रखी थी 5, -3 देकर रखी थी और आर की वैल्यू क्या देकर रखी थी x, 6 देकर रखी थी, बोलता है फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड PR डिस्टेंस भी निकालो और QR डिस्टेंस भी निकालो, एक तो मतलब एक चीज नहीं दी उसने, दो तीन तीन चीज दे दी निकालने के लिए, तो निकाल दो भाई x की वैल्यू, तुम लोगों को पता ही है कैसे निकलेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में निकाला था, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे अपन PQ इज इक्वल टू QR है, तो फटाक से यहाँ पे वो सॉल्व कर लेते, तो PQ के लिए क्या करेंगे, PQ तो ये वाला सेकंड वाला फर्स्ट है, 0 - 5 का स्क्वायर + 1 - -3 का स्क्वायर, ठीक है, और QR के लिए भी वही चीज करनी है हमें, QR के लिए भी तो x - 0 का स्क्वायर, ठीक है, और 6 - 1 का स्क्वायर, ठीक, इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर और यहाँ पे -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर तो होता है 25 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अंडर रूट में यहाँ पे x² बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 25, ठीक है,
अंडर रूट से अंडर रूट हटा देते हैं, अंडर रूट मतलब कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देते हैं, और ये बचेगा 25 प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये देख 25 से 25 कैंसिल, एक्स स्क्वायर की यहाँ से दो वैल्यू निकल के आएंगी, ठीक है, एक्स की दो वैल्यू निकल जाएंगी प्लस माइनस 4। ठीक है, हमारे एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी, एक होगी प्लस 4, एक होगी माइनस 4। ठीक है, तो ये हमारे दो आंसर होंगे। अब जब हमारे ये दो आंसर होंगे तो हमारे पी आर और जो उसने बोला है पी आर निकालो और क्यू आर निकालो, तो दोनों टाइम में अलग अलग पी आर और अलग अलग क्यू आर निकल के आएंगे। जब एक्स की वैल्यू प्लस 4 लेंगे अपन तो अलग पी आर निकलेगा, और जब एक्स की वैल्यू माइनस 4 लेंगे तब अलग पी आर और क्यू आर निकलेगा। तो फटाक से करता हूं मैं, जब एक्स की वैल्यू प्लस 4 है, ठीक है, तो पी आर क्या हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू 4 माइनस 5 हो जाएगा ना, अंडर रूट में 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो 4 माइनस 5 होता है 1, माइनस 1 तो माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर 81, तो ये आ गया रूट 82। ठीक, उसके बाद ये तो तुम्हारा क्या आ गया, पी आर आ गया। ठीक है, अब अपन क्या निकालें, क्यू आर भी निकाल देते हैं, उसने क्यू आर भी तो बोला था, देख कितना बड़ा वाला है वो, उसको पता था दो आंसर आएंगे, तो उसने अपने को दो दो डिस्टेंस निकाले ताकि अपन फिर से चार डिस्टेंस निकाले और हमारा टाइम वेस्ट करें। बहुत ही खतरनाक है सीबीएसई वाले भी, एनसीईआरटी जिसने बनाई है भाई सल्यूट मारता हूँ उन लोगों को, बहुत इंटेलिजेंट लोग थे जिन्होंने बनाई है बुक। ठीक है, चलो क्यू आर निकालते हैं। क्यू आर के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 माइनस 0 करूंगा मैं, 4 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, और 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो यहीं पर लगकर हो गया, एक्चुअली मैं एक्स की जगह क्या रख दिया, 4 रख दिया, काम हो गया अपना। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ, तो 4 माइनस 0 तो 16 हो गया, और ये तो ये 25 हो गया, तो ये जाएगा अपना कितना 41। ठीक, उसके बाद जब x की वैल्यू हम माइनस 4 लेंगे तब क्या होगा, तब पी आर की वैल्यू क्या आएगी वो भी देख लेते हैं। तो कुछ नहीं, जहाँ पे 4 लिखा था वो माइनस 4 कर देता हूँ, इसमें बाकी सब कुछ तो सही रहेगा, सेम टू सेम ही रहेगा। देखो यहाँ पे ये 9 हो रहा है, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 9 हो रहा है, तो माइनस 9 का 81, और यहाँ पे भी 81 आया ही था, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 81 प्लस 81, तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा 9√2 हो जाएगा, 9√2। 81 किसका होता है, 9 का होता है ना, तो 9 बाहर निकाला, यहाँ से भी 9 बाहर निकाला, तो 9 तो बाहर आ गया, लेकिन अंदर 1+1 छोड़ के गया, तो 1+1 क्या होता है 2, तो 9√2 हो गया। फिर क्यू आर, मैं उम्मीद यही रखता हूँ कि आप 10th में हो तो आपसे ये रूट वाली चीजें समझ में आती हैं आपको, ठीक है, इसलिए मैं इतना तेजी से कर रहा हूँ। अगर आप 10th में आ गए हो गलती से और आपको ये रूट वाली चीजें नहीं आती तो बेटा बहुत दिक्कत है, आप रूट वाली इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगला क्या निकालना था भाई, क्यू आर, तो ये देख ले भाई, माइनस 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 माइनस 1 का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, और अल्टीमेटली इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे ये 16 आएगा और यहाँ पे 25 आएगा, और इस पूरे को सॉल्व करने पे हमें √41 मिलेगा। तो हाँ जी, यहाँ से तो √41 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 और देख लेते हैं, और फिर इस एक्सरसाइज को अपन लोग खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हो चैनल पे, और दोस्तों में शेयर भी कर लेना। ठीक है, और अपन लोग इस क्वेश्चन को करके वीडियो एंड करते हैं। ठीक, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। ओके, ऐसा रिलेशन निकालना है हमको एक्स और वाई के बीच में, तो अपन दोनों बोलते हैं कि भाई इक्विडिस्टेंट है, तो ठीक है अपन बोल देते हैं वहां पे, मतलब मैं इसको बोल देता हूँ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई को, ऐसा कर लेते हैं, बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये बीच वाला पॉइंट हो गया, ये पी है और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, ये ए ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं। ठीक है, तो ए और बी ले लिया अपन ने, ए और बी के कोऑर्डिनेट ये हो गया 3,6 और ये वाला बोल देता हूँ मैं -3,-3,4। ठीक है, तो ये भी हो गया, यहाँ से पी ए और पी बी जो है वो बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो हमारा क्या कहते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से, कुछ करना तो है नहीं, पी ए निकाल लेता हूँ और पी बी निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो पी ए की वैल्यू, तो पी ए तो 3-x होगा और 6-y का स्क्वायर, वैसे ही पी बी में, पी बी में पी पहले है और फिर बी बाद में, तो मतलब दिस माइनस दिस, तो -3-x का स्क्वायर प्लस और 4-y का स्क्वायर, 4-y का स्क्वायर, इस पूरे को सॉल्व करते हैं, तो अंडर रूट हटाई देते हैं अभी हाल, और फिर सॉल्व करते हैं ना, हटाई दिया मैंने अंडर रूट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करता हूँ, तो ए माइनस बी का स्क्वायर, तो मतलब कि 9+x² 2 3 9 2 3 6 6x -6x। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ओके, ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और फिर प्लस वाई स्क्वायर और 12y -12y। ठीक है, ये प्लस में है, ठीक है, देखो ये माइनस इसको बाहर निकालूंगा तो स्क्वायर उसको खा जाएगा, तो प्लस, तो 3+x है, तो इसको अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 9+x² और यहाँ पे जाएगा प्लस 6x। इस वाले को देखो, तो ये प्लस तो वैसा होगा वैसा ये वाला। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर तो होता है 16, वाई का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है तो इसलिए 2 4 8 8x। ठीक है, इन सबको जरा देखे, तो देख 9 इधर है, 9 इधर कैंसिल आउट, x² कैंसिल आउट, y² कैंसिल आउट, भाई ये तो सब कैंसिल आउट हो रहा है, मुझे आ गया ये यहाँ पे y होगा, 8x नहीं होगा, ये y होगा, 8y। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या करें अपन लोग, ये 6x है, ये 6x है,
इसको इस तरफ लेके आता हूँ, इसको भी इस तरफ लेके आता हूँ, और 36 को भी, 36 को इस तरफ ही रख देता हूँ, 16 को इस तरफ ले जाता हूँ। तो 36 इधर ही है, ये 16 इस तरफ आ रहा है, प्लस साइन में था तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 16। ठीक है, अब ये जो प्लस 6x था वो तो वैसा का वैसा ही, ठीक है, ये प्लस 6x, ये माइनस वाला इस तरफ आ रहा है तो ये भी 6x हो गया। ठीक है, ये माइनस 8y वैसा का वैसा, ये प्लस 12, माइनस 12y जो है इस तरफ आएगा तो ये ऐसा दिखेगा, तो ये हो जाएगा 12x, ठीक है, प्लस 4y, और इसको सॉल्व करोगे तो 20, तो टेकिंग 4 कॉमन, यहाँ से 4 कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा 3x प्लस y, और यहाँ पे ये 20, इस 4 को नीचे भेज देता हूँ, तो 20 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3x प्लस y, ये कैंसिल आउट होकर 5 बन जाएगा, और हमें एक रिलेशन मिल जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये हमें एक रिलेशन मिल गया जो उसने बोला था कि डिराइव रिलेशन, मतलब कि एक रिलेशन निकाल के बताएं, तो बस ये वो रिलेशन होगा, ये इक्वेशन एक रिलेशन होगी, ये लीनियर इक्वेशन है, हम लोगों ने चैप्टर पढ़ चुका है, अगर आपको वो देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, अगर आपने वीडियो देखा यहाँ तक तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।